हे व्हाट्स अप गाइस, मेरा नाम है शुभम। स्वागत है यार बेटा, बाहिला मत अपनी जगह से प्लीज। थैंक यू, मुझे पता है बहुत मुश्किल है। आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं काफी कमाल का एक नोट्स एप्लीकेशन आपके फोन के लिए, उसको लगा डाला तो लाइफ जिंदा लाला। खुद मत ना बेटा, उसको इंस्टॉल करने के बाद आपको किसी दूसरे नोट्स एप्लीकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके अंदर सिर्फ नोट्स के साथ साथ बहुत ही कमाल के फीचर्स हैं। ये वाला एप्लीकेशन अगर आपके फोन में बाय डिफॉल्ट आता है तो बहुत ही अच्छा, लेकिन बहुत सारे फोन्स में अगर नहीं आता है तो आप इसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसको बहुत लोग यूज नहीं करते हैं, ये होने के बावजूद भी लोग दूसरे नोट्स एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, लेकिन अगर आपने इसको अच्छे से यूज किया होगा तो आपको पता चलेगा इसके अंदर काफी अच्छे अच्छे फीचर्स हैं। ये वीडियो थोड़ी क्विक बना रहा हूं क्योंकि मुझे अर्जेंट का ही निकलना है। मुझे इस चैनल पर मेरी वीडियो स्किप नहीं करनी थी, इसलिए मैं चैनल पर ये वाली वीडियो डाल रहा हूं। अगर आपको लगे कि क्या ये वाला एप्लीकेशन को भी पता था, लेकिन प्लीज थोड़ा बैर करो, मैं चैनल पर डेली टैक कंटेंट डालना चाहता हूं तो कभी कभार थोड़ा अप टू द मार्क कंटेंट नहीं बनता है, लेकिन फिर भी मैं डेली आपके लिए कंटेंट ला रहा हूं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर दबाना। थैंक यू सो मच। वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये वाला जो एप्लीकेशन है इसका नाम है कीप नोट। अगर आपके पास ऑलरेडी है और आप इसको यूज भी करते हैं तो भी इस वीडियो को प्लीज एंड तक जरूर देखना। मैं इसके अंदर कुछ अच्छे कमाल के फीचर्स बताने वाला हूं इस नोट एप्लीकेशन के, तो होपफुली अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता हो तो होपफुली इस वीडियो के बाद आपको पता चल जाएंगे। सो इसका इंटरफेस देख सकते हैं, आपको यहाँ पे नीचे आपको चार ऑप्शन मिलते हैं और आपको एक प्लस एड बटन मिलता है। एड बटन से ऑब्वियसली आप एक नया नोट्स बना सकते हैं। इसके अंदर आपको टाइटल और आपका पूरा नोट्स, आप अनलिमिटेड कितना लिखना आप लिख सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे फीचर्स मिलते हैं। आप देख सकते हैं इसके अंदर आप रिमाइंडर सेट कर सकते हैं, ऑल्सो इस पर्टिकुलर नोट को किसी पर्टिकुलर नोट को पिन कर सकते हैं जो कि आपके सबसे टॉप लिस्ट पर रहेगा। उसके बाद देख सकते हैं नीचे जो आपके मेन इंटरफेस पे चार ऑप्शंस मिलते हैं, वो आपको एक आपको टू डू लिस्ट मिलती है जो कि बहुत ही कमाल की है और मैं हर वक्त यूज करता हूं। जब भी मैं मार्केट से कुछ भी लेने जाता हूं मुझे बहुत सारी चीजें याद नहीं रहती और पेन और पेपर वाला काम मैं नहीं करता, तो मैं अपने फोन के अंदर टू डू लिस्ट खोल देता हूं कीप नोट्स की और इसके अंदर मैं जाके जितने भी मेरे काम की चीजें वो सब लिख लेता हूं, मुझे जो जो भी खरीदना है। और उसके बाद आगे आप देख सकते हैं यहां पे आगे जितने भी आप आइटम्स लिखते हो उसके आगे एक चेकबॉक्स आ जाता है और जैसे जैसे आप आइटम्स को खरीद लेते हो या आपके वो काम हो जाता है, टू डू लिस्ट हो जाती है। उसके बाद जैसे जैसे आप टैप करेंगे आप देख सकते हैं वो कट होकर नीचे आ जाता है, उनको फिर से आप टैप कर सकते हैं। अगर आपने गलती से उन पर टैप कर दिया तो फिर से वो अनटिक हो जाएंगे। और सब कुछ नोट्स ड्रॉ करके बनाने हैं तो वो भी आप कर सकते हैं इस आइकन की मदद से। इसके अंदर आपको अलग अलग टूल्स मिलते हैं, पेन, हाइलाइटर और पेंसिल वाला भी मिलता है, आपको ब्रश भी मिलता है, तो आप उसको अलग अलग कलर के हिसाब से आपने कुछ भी ड्रॉ करके अपना नोट्स बना सकते हैं। एक और ऑप्शन बहुत ही अच्छा लगा वो मुझे ये कि आपको कोई नोट्स लिखने अगर आपको बोल के लिखना है, आपको टाइप नहीं करना है, आपको सिंपली अपने माइक बटन दिया, इसमें जाके आप अपना कोई भी जो भी अपने नोट्स है आप सिंपली आप बोलो और वहाँ पे टाइप हो जाता है और साथ में टेक्स्ट के साथ साथ आपको वहाँ पे ऑडियो भी मिलती है जो कि मुझे काफी पसंद आता है। ऑल्सो इसका सबसे कमाल का फीचर ये है कि ये गूगल की तरफ से बनाया हुआ है तो आपको गूगल के जितने भी अकाउंट है उसके साथ सिंक हो जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने फोन में कोई आप नोट्स डालते हो उसी वक्त विद इन एक सेकंड के अंदर आपके डेस्कटॉप में अगर आप ब्राउजर खोलते हो उसके अंदर आपको कीप नोट्स का एक ऑप्शन दिख जाता है, कीप नोट्स की वेबसाइट खुल जाती है और उसके बाद आपका नोट्स है वो वहाँ पे आ जाता है, आपकी ऑडियो नोट्स भी वहीं आ जाती है, आपकी टेक्स्ट भी आ जाते हैं और आपके ड्रॉइंग वाले नोट्स भी वहाँ आ जाते हैं। क्योंकि मुझे काफ़ी पसंद आया ये वाला, इसलिए मुझे लगा आपके साथ मुझे शेयर करना चाहिए। और अगर आपको पसंद आया वीडियो को लाइक जरूर करना, बहुत ही क्विक बना रहा हूँ वीडियो और मेरे छोटे भाई को मैंने फोन पकड़ा रखा, अभी ट्राईपॉड भी नहीं है तो कैमरा थोड़ा हिल रहा है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद नहीं है या पसंद आई मुझे बताइए आपका फीडबैक। एंड दैट्स इट, थैंक यू सो मच, मिलता हूँ सबको वीडियो में। बहुत ज़्यादा पसीना हो रहा है, कोई बात नहीं, चलता है।